समाज में स्वस्थ परिवार, सुरक्षित समाज और प्रगतिशील राष्ट्र की ओर एक ही रास्ता है, सशक्त महिला। बता दें कि दिल्ली पुलिस की महिलाएं एवं बाल सुरक्षा इकाई लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने और उनमें आत्मविश्वास, कानूनी जागरूकता पैदा करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के प्रयास कर रही है। महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेज की छात्राओं, RWA और BPO कर्मचारियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत 2002 में महिलाओं को मार्शल आर्ट की तकनीकों के प्रदर्शन और शिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा लड़कियों को दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसी चीजों का इस्तेमाल कर खुद को असामाजिक तत्वों के हमलों, चैन या फिर बैग स्नैचिंग, आपराधिक हमलों आदि से बचाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समाज से बहुत सराहना मिलने और इन आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुए समय समय पर आयोजित होने वाले नियमित शिविरों के अलावा इस इकाई द्वारा गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के दौरान पूरे दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर वार्षिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन शिविर की भी आयोजित किए जाते हैं। सो दिस टुडे इज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द विंटर समर कैंप। सो आज आपने देखा होगा बच्चों ने बहुत इंटरेस्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिस्पाइट द कोल्ड वेदर दे आर सो एंथुजियास्टिक एंड सो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू इंश्योर कि हाँ हम ये भी चाहते हैं कि बच्चे जो है इस कोर्स के बाद भी जो है अपनी स्पेयर टाइम में इसको प्रैक्टिस करें। उसके लिए हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स के ऊपर, जो हम उसको वेबसाइट में डाल सकते हैं, सो दैट जो भी बच्चा इसके बाद भी उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारा मकसद ये है कि दिल्ली का पूरी जो है विमन जो है दे शुड फील सेफ और दिल्ली पुलिस हमारे उनके साथ है। स्कूल की यदि बात करें तो उसके अलावा कितने और स्कूल्स को सर आपके दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है? अभी इस विंटर कैंप में हमने 5 स्कूल्स में किया है और इस साल ये स्कूल्स का जो स्केड्यूलिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया था कि ये पहले ही विंटर का जो बहुत ज़्यादा छुट्टी हो चुका था, सो हमने इस बार 5 स्कूल्स में किया था एंड एवरीवेयर वी हैड अबाउट अराउंड 500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दिस कैंप्स। यू आर वेलकम। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।